फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे आरओ यारो परीक्षा के लिए वर्तनी शुद्ध। क्या डिस्कस करेंगे? आरओ यारो परीक्षा के लिए वर्तनी शुद्ध। हम जानते हैं इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आरओ यारो में, तो आज हम इसे देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें हमारा सही आंसर है विदुषी। क्या सही है? विदुषी शुद्ध है। फिर बात करते हैं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अत्यधिक। किसकी वर्तनी शुद्ध है? अत्यधिक की। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कवित्री। क्या है? कवित्री शुद्ध शब्द है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें हमारा सही आंसर है कुमुदिनी। क्या है? कुमुदिनी। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, तो कौन सा सही है? तो इसमें जो हमारा सही है वो है आंसर सी, अनुगृहित। क्या है? अनुगृहित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन करें। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऊपर लिखित। क्या है? ऊपर ही लिखित। दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, बस ये है कि ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कौन सी मात्रा कैसे लगी है। बस जो भी क्वेश्चन बनेंगे वर्तनी शुद्ध का यही है, इससे ज्यादा कठिन इसमें कुछ नहीं आता है। फिर बात करते हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें 36 को कैसे लिखते हैं पूछा गया, 36 को कैसे लिखते हैं। तो पढ़ने को तो हम लोग 36 को 36 पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो सही वर्तनी है वो है 36। क्या है? 36। कवित्री फिर से आ गई, तो इसमें से हम जानते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो है सी। हमारा सही आंसर क्या है? सी। अहेतुकी, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहेतुकी। क्या है? अहेतुकी। फिर बात करते हैं उज्ज्वल, कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। तो हम जानते हैं इसमें उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध है। किसकी शुद्ध है? उज्ज्वल की। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। तो हम जानते हैं उद्घोष शुद्ध है, एकता शुद्ध है, तात्कालिक शुद्ध है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त। उपरोक्त की वर्तनी अशुद्ध है। फिर आ गया कवित्री, तो इसको हम लोग जानते हैं कि कवित्री को क व इत्री। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा हिरण्यकशिपु। क्या होगा? हिरण्यकशिपु। फिर बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये तो सबको पता है कि क्लेश कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, श्रृंगार से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो श्रृंगार को लिखा जाता है इस तरीके से। फिर बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उज्ज्वल को तो हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर है ए। क्या है? सही आंसर ए। नहीं, ए नहीं होगा, इसमें हमारा सही आंसर है बी। उज्ज्वल में फुल जा नहीं लिखते हैं, दो जा लिखे जाते हैं, दोनों के दोनों हाफ रहते हैं। फिर बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? विरहिणी। क्या है? विरहिणी। इसमें आप मात्रा ध्यान से देखिएगा और बस यही क्वेश्चन रिवाइज करके जाइए। आई होप कि इसी में से जो भी आएगा, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से कोई एक वर्ड शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कोई एक शुद्ध है। तो हम जानते हैं कि नरक शुद्ध है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? नरक। फिर बात करते हैं इसमें से कौन सा सही है, अनुषंगिक। तो इसमें जो हमारा सही है वो है अनुषांगिक। क्या है? अनुषांगिक। अनुषांगिक।
नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जानते हैं कि धोबिन कैसे लिखा जाता है, धोबिन होता है। फिर बात करते हैं कि परीक्षा, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है? तो परीक्षा तो हम सभी देते हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा। फिर बात करते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो निश्चेष्ट, निश्चेष्ट अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो भागीरथी के बारे में कौन नहीं जानता है? तो इसमें हम जानते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो है भागीरथी। क्या है? भागीरथी। फिर बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए, तो टिप्पणी तो सबको लिखना आता है, तो हमारा इसमें सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो हमारा इसमें सही आंसर है उच्च श्रृंखल। क्या है? उच्च श्रृंखल। तो ये हमारा सही आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? सदृश। क्या होता है? सदृश। फिर है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना को कैसे लिखते हैं? इसमें देखिए ज्योत्सना, 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 तो हमारा जो सही आंसर है वो है ज्योत्सना। फिर बात करते हैं कुमुदिनी का, तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुमुदिनी का सही है कुमुदिनी। क्या है? कुमुदिनी सही आंसर है इसका। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? तो सही आंसर है हमारा हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता है। क्या है? हस्तक्षेप। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें जो हमारा सही है वो है भुक्खड़। क्या है? भुक्खड़ की वर्तनी अशुद्ध है। फिर बात करते हैं कौन सी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो उज्ज्वल को देख के तुम्हें पता है, उज्ज्वल में दो जा होते हैं, दोनों आधा होते हैं, इसमें एक ही जा दिया है, तो उज्ज्वल का वर्तनी अशुद्ध है। फिर बात करते हैं इसमें से कौन सी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? इसमें से कौन सी अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसमें से कौन सी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है सन्यासी। सन्यासी अशुद्ध, बाकी महत्व तो सही ढंग से लिखा है, पैतृक भी सही लिखा है और वाल्मीकि भी। तो क्या अशुद्ध है? सन्यासी अशुद्ध है। फिर बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा वंदना। वंदना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप में लिखा है। फिर बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो हम जानते हैं कि अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान जो लिखा है वो सही लिखा है। उसके बाद ज्योत्सना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ज्योत्सना में त और श दोनों आधा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है राहुल सांस्कृत्यायन। क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन। बाकी कौशल्या सही लिखा है, मेघनाथ सही लिखा है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो भागीरथी का सही है, अधीन का भी सही है, जागृत का भी सही, जागृत का गलत है, अनुगृहित भी सही है, जागृत जो है हमारा गलत है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो प्रणाम, इसमें तो सबको पता है कि प्रणाम की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है द्वारका। क्या है? द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। फिर बात करते हैं अंताक्षरी में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, आजीविका, अनुग्रही। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है सन्यासी। क्या है? सन्यासी। फिर बात करते हैं कि कौन सा विशेष की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष तो हम सभी को पता है, तो बहुत ही सिंपल है विशेष की कौन सी वर्तनी, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर बात करते हैं आशीर्वाद की कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि आशीर्वाद की कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी है। फिर बात करते हैं वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही है, तो ईर्ष्या, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं ईर्ष्या का सही वर्तनी क्या है, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द का चयन करिए, पूजनी 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 पूजनी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है पूजनी है। क्या है? पूजनी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो हमारा सही आंसर है विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। अधोलिखित वर्ड शब्द में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, अधोलिखित वर्ड्स में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, रचयिता अनुग्रहीत सृष्टा आहार। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि किसका सही है, रचयिता की वर्तनी सही है। शुद्ध शब्द चुनिए, गंगा जल बेबुनियाद चौपाया बड़ा सा, तो इसमें हमारा शुद्ध शब्द क्या है, बड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संसारिक, संसारिक, क्योंकि संसारिक होता है और इसमें क्या लिखा है, संसारिक। कौन सा शब्द है? तो ज्योत्सना का हम लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है सन्यासी का कौन सा सही होगा, तो हम जानते हैं कि सन्यासी के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अलौकिक का कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है, तो इसमें हमारा शुद्ध है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध रूप किसका है, किसका जो प्रदर्शनी लिखा है इसमें कौन सा शुद्ध लिखा है, तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, मानवीकरण 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 और मानकीकरण, तो हम जानते हैं इसमें हमारा जो शुद्ध आंसर है वो है मानवीकरण। क्या है? मानवीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद का शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है। फिर बात करते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है सुषुप्त में, सुषुप्त में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुषुप्त। ज्योत्सना का हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आता है जिजीविषा, क्या है? जिजीविषा, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है, जिजीविषा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर से कवित्री आ गया, तो कवित्री का हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कवित्री। फिर बात करते हैं परीक्षा का, तो परीक्षा में हम सभी देते हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।